जैस माहौल में मैं सोच सकूं कि कुछ करूं, है ना। एक गरीब फैमिली में मेरा जन्म हुआ था, कोई करोड़पति घर की बेटी नहीं हूं। आज आप लोगों को देखकर अच्छा लग रहा होगा, बहुत सारे ऐसे लोग ने मुझे बोले मैम आज बहुत अच्छी लग रही हो। ये पर्सनालिटी पहले नहीं था। हां, एक गरीब घर में जन्म हुआ था, मजदूर घर में जन्म हुआ था, जिंदगी में कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला था। लेकिन आज इस स्मार्ट वैल्यू मिला है तो मैं बोल सकती हूँ कि मैं यहाँ से क्या अचीवमेंट की हूँ। इसलिए बताना पड़ा क्योंकि मैं गरीब घर से हूँ, क्योंकि इंसान जितना भी ऊंचा चला जाए अपना हैसियत नहीं भूलना चाहिए। यस और नो? यस और नो? शिवनंदिनी साहब अपना हैसियत कभी नहीं भूलेगी, क्योंकि मैं अपना पापा जी का प्यार नहीं मिला है। मम्मी पापा का, मैं बहुत छोटी थी तो तलाक हो चुका है। मम्मी मेरी मजदूरी करती थी, 40 रुपए रोजी, 50 रुपए रोजी में मजदूरी काम करके सुबह 8 बजे काम में जाती थी, वही रात को 8 बजे आती थी मजदूरी सीमेंट बोरी और ईटा पत्थर का काम कर करके। हाँ, लेकिन मैं वही गरीबी को देखकर, दूसरे के घर रहते थे किराए से, रहने के लिए घर भी नहीं था, पापा जी निकाल दिए थे घर से, रहने के लिए घर भी नहीं था। मम्मी मुझे दूसरे के घर रख करके मजदूरी कर करके हम लोगों को छोटे से बड़े किए, इसलिए मुझे बताना पड़ा कि मैं खुशकिस्मत हूँ आज स्मार्ट वैल्यू में आई हूँ। उसी गरीबी को देखते हुए जिस उम्र में आप लोग टीवी देखते हो, पढ़ते लिखते हो, 12-13 साल की उम्र में खेलते हो, मुझे भी इच्छा करता था खेलने का, टीवी देखने का, पढ़ने का, रोज स्कूल जाने का। लेकिन मैं स्कूल में रेगुलर नहीं रह पाई क्योंकि गरीबी ने इस कदर घेर लिया था कि गरीबी से निकलने का मौका ही नहीं मिला था। झाड़ू पोछा का काम करने के लिए जाना पड़ता था। मैं 13 साल की थी तब से झाड़ू पोछा करती थी दुर्ग का घर संसार मॉल में। वहाँ पे 2500 रुपये मिलता था, उससे अपना पढ़ाई का खर्चा कंप्लीट करती थी और घर का राशन पानी का जो भी खर्चा मुझे कंप्लीट करना पड़ता था। वहाँ से मेरा जिंदगी शुरुआत हुआ था और एक अजनबी इंसान के बदौलत मुझे स्मार्ट वैल्यू मिला। और आज एक गंदे नाली का कीड़ा जैसे जिंदगी था, गंदा कपड़ा पकड़कर गंदे पानी में दिन भर रात को डुबा के मैं झाड़ू पोछा करने का काम करती थी। लेकिन आज मैं स्मार्ट वैल्यू में आई हूँ एक अजनबी इंसान के बदौलत। मैं चाहूंगी उस इंसान के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, मिस्टर हिम्मत सर। आज मैं यहाँ आ पाई और अचीवमेंट क्या क्या हुआ, क्या क्या मैंने लिया, तो आज मैं आप लोगों को जरूर बताना चाहूंगी। यहाँ से 4.5 साल पहले मैंने काम स्टार्ट किया था, बहुत सारा मोबाइल चला लिए हैं, वो भी स्मार्टफोन, टैबलेट भी हुआ। जिस हाथ से मैं झाड़ू पोछा करती थी ना, वही हाथ से आज 35,000 रुपए का लैपटॉप यूज करती हूँ। लाइफ का बिगेस्ट अचीवमेंट है। साथ ही साथ आज सिलसिला आगे बढ़ते गया, जिंदगी स्मार्ट वैल्यू इंडस्ट्री में आगे बढ़ता गया। और आज अचीवमेंट की बात करूं तो यहाँ से एक लड़की छत्तीसगढ़ से बाहर जाने के बारे में नहीं सोच पाती है, आज मैं छत्तीसगढ़ से बाहर जा पाई। और मैं जिस कंडीशन से पली बढ़ी हूँ, मैं तो कभी नहीं सोच पाती छत्तीसगढ़ से बाहर जाने का। मेरा घर में छुट्टी मामा के घर में बीतता था, लेकिन आज मैं घर में छुट्टी थाईलैंड में बिता के आई हूँ। 9 मई 2016 को इंटरनेशनल फ्लाइट से बैठकर थाईलैंड भी हुआ, इस बार फिर से थाईलैंड जा रहे हैं। अचीवमेंट की बात करूँ तो 2 साल पहले अपने खुद के इनकम से आज यही लड़की बाहर में चले जाओगे, झाड़ू पोछा करने वाली लड़की आज 5 लाख का कार का मालकिन बनी है, जिंदगी का बिगेस्ट अचीवमेंट है। उम्र की बात करूं तो 16 साल की उम्र में मम्मी के नाम से एडमिशन हुआ था, आज मेरी उम्र है 20 साल का, उम्र जस्ट 20 साल कंप्लीट हुआ। आज 4 साल मैंने दिल से स्मार्ट वैल्यू को दिया और आज मैं कार में चलती हूँ। और नेक्स्ट यहीं तक सीमित नहीं है, बोलते हैं ना सबको आती नहीं और मेरी जाती है संतुष्टि। मुझे संतुष्टि नहीं है कार से, मुझे घर भी चाहिए। और यही रायपुर में शिवनंदिनी साहू आज कसम खा के जा रही है, आज लेवल भी जंप करेगी। और मैं चैलेंज करती हूँ और कमिटमेंट करती हूँ, यही नया रायपुर में, यही 2018 के इंड दिवाली तक मैं अपना रायपुर में 25 लाख का आशियाना बनाने जा रही हूँ। आप लोगों को मैं बता रही हूँ, तो समय उतना नहीं है, बहुत कुछ बताना था। 4.5 साल का आज एक गोल्ड लेवल मिल पाया तो कुछ नहीं है, सिस्टम को मैंने दिल से प्यार किया, कुछ नहीं है, सिस्टम को फॉलो कीजिए। एक ही मैसेज देना चाहूंगी, एक अपलाइन मिला है उसका रिस्पेक्ट कीजिए और जिंदगी में क्या पाना है हासिल कर लीजिए। एक बार सोच लीजिए क्या पाना है, आपको जरूर मिल जाए।
बस मेहनत कीजिए क्योंकि ये मेहनत से मिलता है। ओके थैंक यू।